दिग्गज सिंगर बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 10 बजे वेरेपार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को रात 11:45 पर 59 साल की उम्र में बप्पी दा का निधन हो गया था, लेकिन अगले दिन उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका क्योंकि उनके बेटे बप्पी लहरी अमेरिका में थे और वह बुधवार देर रात ही वे मुंबई पहुंचे हैं। द डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी लहरी का इलाज पिछले एक महीने से चल रहा था और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी थी। वे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहे थे। बीते मंगलवार को हालात नाजुक होते ही उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में ही इलाज के दौरान बप्पी दा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी दा का निधन ओएसए नाम की बीमारी के चलते हुआ है। अजय देवगन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर समेत बॉलीवुड के तमाम सितारों ने बप्पी लहरी के निधन पर शोक जताया है। कल दिन में अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, काजोल समेत कई लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे थे। बता दें कि कुछ घंटे पहले ही बप्पी लहरी के बेटे बप्पा पूरे परिवार के साथ मुंबई वापस आ गए हैं। कुछ ही देर में लहरी हाउस से फूलों से सजे ट्रक में बप्पी दा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें बप्पी लहरी के पार्थिव शरीर के आसपास ढेर सारे फूल नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनकी आत्मा की शांति की दुआ मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी बॉलीवुड के पहले रॉकस्टार बप्पी दा को श्रद्धांजलि दें और ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।